लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हर लोकसभा क्षेत्र से जनता की पसंद और कौन बन रहा है पार्टियों का सरदर्द। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नसीराबाद लोकसभा क्षेत्र की अजमेर से, जो कि जहां जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो पायलट समर्थक युवा नेता के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे ये युवा नेता कौन है और कैसे बन रहा है ये दूसरी पार्टियों के लिए मुसीबत, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगा था, लेकिन इस आरोप पर कहीं तो विराम इसने लगा दिया। अजमेर की नसीराबाद विधानसभा में कांग्रेस इस आरोप से मुक्त हुई थी। पार्टी ने यहां पिछले 50 साल से एक ही परिवार से टिकट ले रहे दावेदारों को दरकिनार करते हुए नए युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा था, और वो है शिव प्रकाश गुर्जर, जो आजकल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी हो रहे हैं, जिसका उदाहरण है सोशल मीडिया, जहां पर इनके वीडियोस आए दिन वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, आप भी देखिए इनकी लोकप्रियता का नजारा। अब जानते हैं इस सीट के इतिहास के बारे में। तो नसीराबाद के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता गोविंद सिंह गुर्जर से इसकी शुरुआत हुई थी। 1977 में पहली बार कांग्रेस ने गोविंद सिंह गुर्जर को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। गुर्जर को कांग्रेस ने वापस 1970 में अपना फिर से उम्मीदवार बनाया। इस बार गोविंद सिंह गुर्जर विधानसभा सीट से जीते और उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंद सिंह गुर्जर इस विधानसभा सीट से 1980 से लेकर 2008 तक लगातार 6 बार विधायक रहे। उसके बाद कांग्रेस ने उम्र का तकाजा देखते हुए गोविंद सिंह गुर्जर को पांडिचेरी का राज्यपाल बना दिया, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हुए गोविंद सिंह के परिवार से ही हर विधानसभा चुनाव में टिकट देती रही, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद का जो इतिहास है वो चलता रहता है। 2008 में एक बार फिर कांग्रेस ने गोविंद सिंह गुर्जर के भाई महेंद्र सिंह गुर्जर को टिकट दिया और उन्होंने बड़े जाट नेता सांवरलाल जाट को केवल 72 मतों से हराया। 2013 की बात करें तो एक बार फिर से कांग्रेस ने महेंद्र सिंह गुर्जर को ही टिकट दिया, लेकिन इस बार सांवरलाल जाट ने महेंद्र सिंह को हरा दिया। उसके बाद बीजेपी ने सांवरलाल जाट को अजमेर लोकसभा के सांसद का चुनाव लड़वाया और इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने एक बार फिर से गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार से ही उनके भाई राम नारायण गुर्जर को टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। 2018 में एक बार फिर राम नारायण गुर्जर को कांग्रेस से टिकट मिला, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। लेकिन मिला सिर्फ गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार को ही टिकट, बाहरी उम्मीदवार को कोई भी चांस नहीं दिया गया। 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए, इसी गुर्जर परिवार से टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन कांग्रेस ने इस परिवारवाद पर विराम लगाते हुए नए युवा चेहरे को टिकट दिया। नसीराबाद विधानसभा के लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के इस फैसले से सभी अचरज में भी पड़ गए थे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 साल के युवा शिव प्रकाश गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया। अब शिव प्रकाश गुर्जर है कौन? तो 2018 में NSUI से राजकीय महाविद्यालय अजमेर से छात्र संघ का चुनाव जीतकर ये अध्यक्ष बने, और इसी के बाद से ही शिव प्रकाश गुर्जर सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने और लगातार कांग्रेस के लिए कार्य करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिव प्रकाश गुर्जर को पायलट खेमे का माना जाता है और कयास भी यही लगाया गया कि पायलट की वजह से ही शिव प्रकाश को विधानसभा का टिकट मिला था और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि शिव प्रकाश हार गए थे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर से परिवारवाद के आरोप से इस सीट पर से मुक्ति मिल गई थी, जो अब लोकसभा चुनाव में इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब जिस तरह से शिव प्रकाश गुर्जर लोकप्रिय हो रहे हैं अपने एरिया में, और उसके बाद जिस तरह से पायलट के साथ इनका लगाव है, पायलट के प्रेमी माने जाते हैं और पायलट के बहुत नजदीकी भी हैं और पायलट की युवा ग्रेड में भी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी इन्हीं पर अपना दाव लगाएगी, क्योंकि युवा चेहरों की जब बात आती है तो पायलट की ब्रिगेड में से ही उन युवाओं को चुना जा सकता है, क्योंकि वो भी पायलट के
जैसे ही लोकप्रिय होते हैं और उतने ही सक्रिय होते हैं और अपनी पार्टी के लिए ईमानदार होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नसीराबाद जो सीट है वहां से इनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं? और आपने देखा है अगर ये पूरा वीडियो और आते हैं इसी क्षेत्र से तो बता दीजिए किस किस का नाम वहां पर अव्वल चल रहा है और शिव प्रकाश गुर्जर के बारे में आपका क्या सोचना है, कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।